आकांक्षा, मैं सिर्फ लगता है कि वो लोग आ गए। इस बच्चे को उन्हें वापस कर देना। आकांक्षा कहाँ है? वो मुझे बिना बताए क्यों चली आई? शायद घबरा गई होगी। अरे तो मुझे फोन करना था ना? जी। है कहाँ? मेरा बच्चा कहाँ है? वो राज और उर्मिला आए हैं। मैं देखती हूँ। आकांक्षा, आकांक्षा। अरे आकांक्षा, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, ये क्या हो रहा है? आकांक्षा, आकांक्षा दरवाजा खोलो। राज, इसने मेरे पे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? राज, इसे कहो ना। उर्मिला, फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, उर्मिला जी आई हैं। दरवाजा खोलो। आकांक्षा, दरवाजा खोलो। उर्मिला, आकांक्षा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। आकांक्षा, राज, उर्मिला, तुम फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। करुण जी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आकांक्षा, दरवाजा खोलो। आकांक्षा, ये क्या हो रहा है? या तो तुम अपना फैसला सुनाने की हिम्मत रखो, या फिर अपना वादा निभाओ। आकांक्षा, मेरा बच्चा। माँ, ये क्या मजाक है? चुप हो जाओ तरुण, आकांक्षा कुछ कहना चाहती है। अरे अब क्या कहना चाहती? तरुण, मैंने कहा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आकांक्षा, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या बात है आकांक्षा? मैंने फैसला किया है, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। ये क्या बकवास कर रही हो आकांक्षा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये बच्चा मेरा है, मेरे राज का है। लाओ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। राज, इसे समझाओ। हाँ, कुछ एक मिनट। आकांक्षा, ये सब क्या है? तुम खुद हमारे पास आई थी, तुमने खुद ये फैसला किया था। तरुण जी, आप कुछ आकांक्षा, क्या मजाक? मैं फैसला कर चुकी हूँ। फैसला? तुम होती कौन हो फैसला करने वाली? हाँ, मुझे तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये मेरा बच्चा है, और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इसे नहीं रखने दूंगी। राज, राज समझाओ इसे। सुनो तरुण, क्यों नहीं अपनी बीवी से कहते कि ये बच्चा मेरा है? मेरा बच्चा है ये, मैं इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाद में बात कर लेंगे। चलो इस वक्त चलो। आकांक्षा, तुम बेईमान हो गई हो, तुम बेईमान हो गई हो। आकांक्षा, तुमने मुझसे वादा किया था, ये मेरा बच्चा है। उर्मिला, नहीं राज, उर्मिला, ये मेरा करो। बच्चा है। उर्मिला, नहीं राज, उर्मिला, इस वक्त चलो, राज, हम बाद में बात कर लेंगे। उर्मिला, इस वक्त चलो, चलो उर्मिला। तरुण, मेरा बच्चा है। उर्मिला, बस करो। राज, मैं इसे क्या कर रही हो तुम? जाऊंगी राज। उर्मिला, चलो, मैंने कहा चलो। मेरा बच्चा है ये राज। नहीं राज। ये हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, सिर्फ तुम्हारा। ये औलाद नाजायज है। नाजायज? तुम अच्छी तरह से जानते हो तरुण, मैंने कोई पाप नहीं किया। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी रजामंदी से हुआ था। हाँ, मैं मानता हूँ ये सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है, लेकिन ये भी तय था कि ये बच्चा तुम उन लोगों को जाकर दे दोगी। आकांक्षा, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम तो एक नेक काम करने जा रही थी, किसी की सूनी गोद भरने जा रही थी। और अपनी गोद सूनी कर दूं? बस राज, ये क्या पागलपन है? मुझे पैसा देने की कोशिश मत करो। तुम क्या कर रही हो तुम? नहीं, वो मेरा बच्चा है, वो सिर्फ मेरा बच्चा है। उर्मिला, नहीं राज, अगर मुझे पुलिस में जाना पड़ा ना तो मैं वहाँ भी जाऊंगी। कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगी। उर्मिला, अपसेट होने की कोई बात नहीं है। नहीं। उर्मिला देखो, रिलैक्स। रिलैक्स क्या? आकांक्षा से बात करेंगे ना हम, तरुण को कहेंगे कि वो आकांक्षा को समझाए। ओके, लाओ पानी, लाओ पानी। वो मेरा बच्चा है, नहीं चाहिए पानी मुझे। क्या समझाओगे तुम उन्हें? क्या समझाओगे उन्हें? सब मिले हुए हैं, वो पति पत्नी सब घर वाले मिले हुए हैं। उर्मिला, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहते। उर्मिला प्लीज, तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं, बताओ ना। अरे अगर उसका बच्चा नहीं रहा तो क्या वो मेरे बच्चे को? क्या बकवास कर रही हो तुम? बस करो।
नहीं राज, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है राज, वो मेरा बच्चा है राज। और मिला हम बात कर लेंगे ना तरुण। मेरा तरुण से बात कर लेंगे हम, तुम फिक्र मत करो। सुनो, डॉक्टर पटेल को फोन करो, जाओ जल्दी फोन करो डॉक्टर पटेल को। पटेल, मिस्टर राज, शी इज इन स्टेट ऑफ शॉक। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे मिस्टर राज, क्या कोई शॉक लगा है? जी जी हाँ डॉक्टर साहब। दैट्स बैड। कभी कभी एक्सेसिव शॉक लगने की वजह से मरीज का मानसिक संतुलन खो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज और कोमाटोस का खतरा बना रहता है। डॉक्टर, बट वो काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में ही होता है। एनीवे, यू टेक केयर ऑफ हर, नींद खुलते ही दवा खिला दीजिएगा। जी जी हाँ, मैं सुबह फिर आता हूँ। ऑलराइट, ओके, थैंक यू फ्रेंड। नहीं, औलाद, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा। उर्मिला ये सपना बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब तक बेहोश रहती, शांत रहती, होश में आते ही वो पागलों जैसे हरकत करती, बेकाबू हो जाती, बार बार बाहर की तरफ भागती। अपने हाथों से बनाया हुआ बच्चे का कमरा उर्मिला ने तोड़ दिया और कहती रहती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसे कंट्रोल करने के लिए बार बार डॉक्टर को बुलाकर उसे सेडेटिव्स देने पड़े। मुझसे उर्मिला की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मिस्टर राज, इनकी हालत क्रिटिकल होती जा रही है। अगर इसी तरह दौरे पड़ते रहे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि कल सुबह हम इन्हें मेंटल असाइलम ले जाएं। मैं आपकी हालत समझता हूं मिस्टर राज, लेकिन राज बेटा, तुम? नमस्ते माची। माची, आकांक्षा से बात करना चाहता हूं। आकांक्षा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आकांक्षा, मैं अपनी उर्मिला की जान की भीख मांगने आया हूं। मैं जानता हूं तुम बुरी नहीं हो, तुम सही हो या गलत, इसका फैसला तो मैं सिर्फ अपनी उर्मिला की जिंदगी मांगने आया हूं तुमसे। कल उर्मिला को पागलखाने ले जाएंगे,
डॉक्टर्स का कहना है कि उर्मिला की हालत अगर कंट्रोल में नहीं आई तो उसे जंजीरों में बांध कर रखना होगा, क्योंकि कभी वो अपने हाथ काट देती है, कभी अपना सर पटकती है। अगर उसे पागल खाने लगे तो आकांक्षा, मेरी मुस्कुराती हंसती खेलती चहकती जिंदगी, मेरी दुनिया एक पल में बुझ जाएगी। सिर्फ देखिए, मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन हर रोज हर पल हर लम्हा उर्मिला मर रही है। आकांक्षा, मेरी उर्मिला को बचा लो, सिर्फ तुम मेरी उर्मिला को बचा सकती हो, सिर्फ सिर्फ तुम्हारा राहुल मेरी उर्मिला को बचा सकता है। आकांक्षा, मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी होगी, तुम्हारी ममता होगी, तुम्हारे जज्बात होंगे, लेकिन आज मैं उस आकांक्षा के सामने आया हूं जिसने मेरी उर्मिला की जिंदगी में खुशियां भरने का वादा किया था। आज मैं वो खुशियां नहीं, उर्मिला की जिंदगी मांगने आकांक्षा, मेरी उर्मिला की जान बचा लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी उर्मिला की जान बचा लो। आकांक्षा प्लीज, मेरी उर्मिला की जान बचा लो। आकांक्षा प्लीज, मेरी उर्मिला की जान बचा लो। मरने नहीं देना चाहती मां, लेकिन मैं अपने राहुल को अपने से अलग नहीं कर सकती। बेटी, एक बिनती है, इस बच्चे को तुम राहुल मत बुलाओ। मां, बेटी ये राहुल नहीं है, राहुल मर चुका है बेटी, और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। और एक बात बेटी, बेटी मैं नहीं चाहती कि कल कोई भी ये कहे कि ये बच्चा अपनी होने वाली माँ की मौत की वजह बने। राहुल को भूल जाओ बेटी, राहुल को भूल जाओ।